स्वामी इवेंट्स टू कैन अनएक्सपेक्टेड टर्न स्वामी के लिए इस घटना ने एक बहुत ही अप्रत्याशित न्यूज इज टू हैंड ऑफ दिलेज लेट रिटर्निंग होम बाई जंगल पाथ केम फेस टू फेस टाइगर अब क्या होता है फादर जो होते हैं न्यूज पढ़ रहे होते हैं उसके और उन्होंने हॉल में जो लैंप लगा हुआ है उसकी रोशनी में वो पढ़ रहे होते हैं न्यूज़पेपर को उन्होंने पढ़ा कि स्वामी तुमने सुना यहाँ पर एक न्यूज़ आई है एक लड़के की बहादुरी के बारे में कि जब वो जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था तो उसका सामना एक टाइगर से हुआ एंड द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद अ टाइगर और इस न्यूज़पेपर के अंदर जो ये पैराग्राफ है इस ये डिस्क्राइब करता है ये वर्णन करता है कि किस तरह से उस लड़के ने टाइगर से फाइट की एंड हिज फाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेट फॉर हाफ अ डे टिल एंड किल द टाइगर और वो वहाँ पर चढ़ एकदम से पेड़ पर चढ़ गया उससे फाइट करने के बाद में वहाँ पर पूरा लगभग हाफ अ डे यानी आधा दिन वो वहाँ पर रहा जब तक कि लोग वहाँ पर नहीं पहुँच गए और उस रास्ते पर जाकर उस टाइगर को नहीं मार डाला यानी वो तब तक वहाँ पर पेड़ पर चढ़ा रहा जब तक वो वहां पर नेक्स्ट ही स्टेड फॉर हाफ अ डे वो वहां पर आधा दिन रुका रहा सम पीपल केम टू दैट वे जब तक कि कुछ लोग वहां उधर नहीं आ गए एंड द टाइगर टाइगर को नहीं मार दिया आफ्टर रीडिंग इट थ्रो और उसको पूरा पढ़ने के बाद फादर लुकड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्ट उस न्यूज पेपर को पढ़ के कम्पलीटली फादर ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा वॉट डू यू से टू दिस दैट तुम क्या कहते हो इसके बारे में स्वामी साइड आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड अप पर्सन स्वामी कहता है कि मैं सोचता हूँ वो एक स्ट्रांग और गॉन अप पर्सन रहा होगा नॉट एट ऑल ए बॉय एक लड़का नहीं होगा ही गुड अः हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर एक लड़का जो है वो टाइगर से कैसे फाइट कर सकता है यू थिंक यू आर वाइजर दैन द न्यूज पेपर फादर स्नेड फादर जो थे वो गुस्से में आकर बोले कि तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा वाइज हो अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कार्ड एक व्यक्ति जो है वो हो सकता है एलिफेंट की स्ट्रेंथ रख सकता है लेकिन फिर भी वो अपने आप में कायर हो सकता है वेयर एज अनदर मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंजम्पटिव बट इफ़ ही हैज करेज ही कैन डू एवरी थिंग जबकि दूसरे व्यक्ति जो कि एक कंजम्पटिव यानी टी वी का पेशेंट हो जो उसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथ कम होती है तो वो उसके अंदर वो एक कंजम्पटिव भी भले क्यों ना हो एक पर्सन लेकिन वो भी यदि उसके अंदर करेज है तो कुछ भी कर सकता है तो करेज इज एवरीथिंग स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट करेज ही सब कुछ है स्ट्रेंथ और एज मैटर नहीं करती स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी स्वामी इस थ्योरी के अगेंस्ट बोलता है हाउ कैन इट बी फादर ऐसा कैसे हो सकता है पापा सपोज आई हैव ऑल द करेज वट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी आप मान लीजिए कि यदि मुझे मेरे अंदर पूरा साहस है बड़ा साहसी ही हूँ मैं लेकिन अगर एक टाइगर मेरे ऊपर अटैक कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ लीव अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज चलो स्ट्रेंथ तो दूर की बात है छोड़ो उसे तो क्या तुम ये भी प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर करेज है लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलॉन्ग टू नाइट इन माई ऑफिस रूम मैं यदि तुम आज ऑफिस रूम में अकेले सो जाते हो तो राइट फुल प्रपोर्शन स्वामी थाट स्वामी ने सोचा यह तो एक बहुत ही डरा देने वाला प्रस्ताव है ही हैड ऑलवेज स्लैप्ड बिसाइड इज ग्रैनी इन द पैसेज वह हमेशा से पैसेज में अपनी ग्रहणी के पास ही सोया करता था एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट कैप्टिम ट्रम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट और इस तरह का कोई भी चेंजेस उसके सोने के अरेंजमेंट में उसको कांप आके काम्पन करके रख सकता था कांप के रख सकता था उसको कपा सकता था एंड अवे कॉल नाइट और पूरी रात उसको जगा वो जागा रहा ही होप टू एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग पहले तो उसने सोचा कि उसके जो फादर हैं वो मजाक कर रहे हैं उससे ही ममर्ड वीकली यस तो उसने धीरे से कह दिया हाँ एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट और फिर अपने सब्जेक्ट को चेंज करने का कोशिश किया ही सेड वेरी लाउडली एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथजियाज्म उसने बहुत ही लाउडली और बड़े ही जोश के साथ सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कुछ कहने की कोशिश की वी आर गोइंग टू एडमिट इविन एल्डर्स इन आर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर पापा अब हम आ, हमारे क्लब में जो हमारा क्रिकेट क्लब है उसमें एल्डर्स लोगों को भी एंट्री दे रहे हैं एंड वी आर बाइंग ब्रैंड न्यू बैट्स एंड बॉल्स और उनके लिए हमने ब्रैंड न्यू बैट्स एंड बॉल्स वगैरह भी परचेज़ हम लोग कर रहे हैं और कैप्टन हैज़ आक्स मी टू टेल यू हमारा जो कैप्टन है उसने मुझे कहा था कि मैं आपको इसके बारे में बता दूँ वी शैल सी अबाउट इट लेटर फादर कट इन फादर भी बड़े स्मार्ट थे उन्होंने कहा कि चलो ये सारी चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे पहले पॉइंट की बात करो जो हम बात कर रहे थे अभी यू मस्ट स्लीप अलॉन्ग हियर आफ्टर तुम्हें आज के बाद अकेले सोना है स्वामी रियलाइज द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल अब स्वामी को समझ में आ गया कि मैटर जो है वो उसके कंट्रोल से बाहर पहुंच चुका है फ्राम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड और एक चैलेंज से अब ये एक तरह से ऑर्डर बन चुका है ही न्यू हिज फादर्स टिनेसिटी एट सच मोमेंट्स उसे पता था कि इस तरह के मामलों में उसके फादर जब कभी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेट हो जाया करते थे तो उनकी इस डिटर्मिनेशन को उसको अच्छा अच्छे से पता था वो जान गया था कि डेफिनेटली अब डिसाइड कर चुके हैं पापा कि उसको अकेले सोना पड़ेगा फ्राम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलॉन फादर फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ वो कहता है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट से मैं अकेला सो जाऊंगा पापा नो यू मस्ट डू इट नाउ तो वो कहते हैं स्वामी कहते हैं कि नहीं तुम्हें यह अभी करना होगा इट इज डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी तो वो कहते हैं कि अपनी मदर और ग्रहणी के पास बच्चों की तरह से जो सोना है वो डिस्ग्रेसफुल है शर्मनाक है एंड यू आर इन द सेकेंड फॉर्म और अब तुम सेकेंड फॉर्म में हो यानी तुम किशोरावस्था में प्रवेश करने जा रहे हो एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बींग ब्रॉटअप और मुझे तुम्हारे रहने सहने का जो तरीका है जिस तरीके से तुम्हारी परवरिश हो रही है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ही सैड एंड लुकड एट हिज वाइफ उसने ऐसा कहा और अपनी वाइफ की तरफ देखा हु वॉज रॉकिंग द कैडल जो पालने में दूसरे बच्चे को झुला रही थी वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से तुम तो मेरी तरफ देख कर क्यों कह रहे हो ऐसा जब तुम कहते हो तो ऐसा मेरी तरफ देख कर क्यों कहते हो शी आस्क्ड उसने पूछा आई हार्डली नो एनी अबाउट द बॉय मुझे मुश्किल से ही इसके बारे में कुछ भी पता है नो नो आई डोंट डोंट मीन मीन आई यू फादर सेड तो फा, उसके फादर कहते हैं कि नहीं nah, नहीं nah, मेरा तुमसे मतलब नहीं था इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो और अगर तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी मदर उसको स्पॉइल कर रही है तो उनसे जाके कहो डोंट लुक एट मी मेरी तरफ मत देखो इस तरह से शी सैड एंड टर्न अवे उसने कहा मदर ने उसकी और वो वहां से पलट गई स्वामी फादर सैड ग्लूमली गेजिंग एट द न्यूज पेपर ऑन हिज लैप। अब स्वामी के जो फादर थे वो बहुत ही निराश होकर न्यूज पेपर अपने हाथ में रखकर उसको देखने लगे पढ़ रहे थे वो न्यूज पेपर ही प्रेर दैट father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip away to his bed. एंड फॉल ए स्लीप बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन वह ये प्रेयर कर रहा था कि काश कि ऐसा हो कि उसके पापा न्यूज़ पेपर ले लें एक बार से और वापस अपने चेहरे पर लगा लें ताकि ही माइट स्लिप अवे टू हिज बैट वो वापस से अपने बिस्तर पर जा सकें एंड फॉल ए स्लीप बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन और उनके बुलाने से पहले उनकी आवाज़ लगाने से पहले पहले वो जाके वहाँ सो भी जाए एज एफ इन आंसर टू हिज प्रेयर फादर रसल द न्यूज़ पेपर जैसे मानो उसके पापा ने उसकी बात सुनी ली हो प्रेयर की उसकी प्रेयर सुन ली हो फटाफट उन्होंने न्यूज़ पेपर जो है वो एकदम झटके से उस खड़खड़ाहट के साथ अपने आँखों के सामने किया एंड हैल्ड इट अप बिफोर हिज फेस

स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशन स्वामी ने बहुत ही अजीब सी गेस्टिकुलेशन यानी भावभंगी माँ शो की टू साइलेंस हिज ग्रैनी अपनी ग्रैनी को कहा कि चुप रहो बट दैट गुड लेडी आर नथिंग परंतु वो गुड लेडी तो कुछ नहीं थी सो so स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड अ ब्लैंकेट ओवर हिज फेस इसलिए स्वामी ने फटाफट अपने आप को बिस्तर पर लिटाया एडजस्ट किया और ब्लैंकेट अपने चेहरे पर करके लेट गया ग्रैनी साइड डोंट कवर योर फेस आर यू रियली वेरी स्लीपी अब उसकी ग्रहणी बोलती हैं उसको तुम अपना चेहरा कवर मत करो क्या अभी बाकी तुम्हें नींद आ रही है इतनी स्वामी लिंट ओवर एंड विस्फर्ड स्वामी एकदम से झुकता है और बोलता है धीरे से प्लीज़ प्लीज शट अप ग्रहणी ग्रहणी प्लीज़ चुप हो जाओ डोंट टॉक टू मी मुझसे बात मत करो एंड डोंट लेट एन वन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस इज ऑन फायर और किसी को मुझे जगाने भी मत देना या बात करने भी मत देना चाहे घर में आग ही क्यों ना लग जाए इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहेप्स डाई अगर मैं अभी नहीं सोया तो शायद मैं मरी जाऊँगा ही टर्न ओवर कर्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे वह उसने अपने आप को सिकोड़ा और स्नोरिंग करने लग गया ब्लैंकेट के अंदर कवर्ड कर लिया अपने आप को पूरी तरह से जब तक वो अपने आप को ढक के रखा उसने जब तक कि उसकी ब्लैंकेट को वहाँ से रिमूव नहीं किया गया यानी उसके फादर के आने तक जब तक उसके फादर आते और उसकी ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटाते वो वहाँ सोने की कोशिश करता रहा Okay student, so now the topic for today is completed.